मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। शासन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली राशि का किस कदर बंदरवाट किया जा रहा है, उसका एक ताजा उदाहरण रीवा जिले की गंगेयो जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरी में हुई जांच और उसके बाद की गई कार्यवाही के बाद पता चला है। दरअसल रीवा की गंगेयो जनपद पहले से ही भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु रहा, जहाँ पर 38 ग्राम पंचायतों में हुए व्यापक स्तर के कालाधन घोटाले का जिन अभी बोतल के अंदर नहीं गया और आए दिन भ्रष्टाचार की नई इबारतें सामने आ रही हैं। ताजा मामले में जिला पंचायत सीईओ संजय सौरभ सोनवड़े के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 89 की सुनवाई के बाद दिनांक 20 दिसंबर को एक अंतिम नोटिस क्रमांक 78-20 जारी की गई, जिसमें तत्कालीन सरपंच सहित संलिप्त 7 शासकीय कर्मचारियों और इंजीनियरों को दोषी पाया जाकर इसके विरुद्ध 43,50,046 रुपए की 7 दिवस के भीतर वसूली राशि भरे जाने के आदेश जारी किए गए। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी का क्या कहना है। रीवा जिले के गंगेयो जनपद में एक बार पुनः चौरी ग्राम पंचायत में जो जांच हुई थी इनके व्यापक स्तर के घोटाले की, जिसमें लगभग करोड़ों का घोटाला आप बोल सकते हैं इसमें हुआ था और कई बार इसमें जांचें हुई। जांच के बाद फिर धारा 89 जो पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम मध्य प्रदेश की जो धारा 89 होती है उसमें सुनवाई का अवसर दिया जाता है। सुनवाई के दौरान इसमें सबको जो सरपंच सचिव तत्कालीन जो ग्राम रोजगार सहायक उपयंत्री सहायक यंत्री सीओ जनपद सहायक लेखाधिकारी इन सबको उसमें अवसर दिया गया और अभी हाल ही में एक आदेश पारित हुआ है, फाइनल आदेश पारित हुआ है, मतलब एक जिसे धारा 89 का फाइनल आदेश आप बोल सकते हो, उनमें 43,00,000 रुपये की इनकी वसूली बनाई गई है। लगभग दर्जन भर ऐसे काम हैं जिनमें गबन किया गया है, पैसे आहरित कर लिए गए लेकिन मौके पर काम नहीं पाए गए। इसमें सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक उपयंत्री सहायक यंत्री के विरुद्ध वसूली बनाई गई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा सहायक लेखाधिकारी जो फर्स्ट सिग्नेटरी होते हैं मनरेगा के कार्यों के और सीईओ जनपद जो कि सेकंड सिग्नेचरी होते हैं, उस समय सीईओ जनपद प्रमोद कुमार ओझा थे, इनको भी इसमें दोषी बताया गया था, लेकिन धारा 89 की सुनवाई के दौरान इन दो लोगों का नाम इसमें से हटा दिया गया है, जो चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि ऐसे जो अधिकारी हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो फर्स्ट सिग्नेचरी हैं और सेकंड सिग्नेचरी हैं, पैसा निकालने में विड्रॉल इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनका रोल इसमें सुनिश्चित किया जाना था और उनके ऊपर भी कार्यवाही की जानी थी। तो इसके अतिरिक्त बाकी 43,00,000 की वसूली बनी हुई है, जो कि एक लंबे अरसे के बाद 4-5 इन्होंने हाई कोर्ट में पटिशन भी लगाया था इन जांचों के विरुद्ध इन कार्यवाही के विरुद्ध, लेकिन कहीं से कोई इनको राहत नहीं मिली है और ये धारा 89 की जो कार्यवाही हुई है इसके बाद धारा 92 की यदि पैसे नहीं भरते हैं तो इनके विरुद्ध FIR और साथ में अन्य जो भी प्रक्रियाएं होती हैं इसके विरुद्ध धारा 92 की कार्यवाही होगी।